वल्लभ नगर और धरियावद विधानसभा उपचुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस ने अब राम के नाम पर ही भाजपा को चुनौती देने की तैयारी शुरू कर दी है। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि बीजेपी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए धर्म के नाम पर राजनीति करती आई है। राजनीतिक फायदे के लिए राम का नाम का इस्तेमाल भी किया जा रहा है, लेकिन अब भाजपा को राम के नाम पर ही घेरा जाएगा। उन्होंने गुलाबचंद कटारिया के बयान की भी कड़ी निंदा की। आपको बता दें कि गुरुवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और साथ ही में मुख्यमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ बैठकर समन्वय समिति ने वल्लभ नगर और साथ ही में धरियावद विधानसभा उपचुनाव की तैयारी को लेकर चर्चा की। इस देश के रग रग में बसे हुए हैं और भगवान राम मेरे राम राजनीति के आधार नहीं है। मेरे राम तो सृष्टि के रचयिता है, लेकिन हमारे राम सबको ये सिखाते हैं कि वो घमंड ना करें। जिस बीजेपी के बड़े बड़े नेता ये बोल रहे हो कि भगवान राम को पहचान हमने दिलाई है, भगवान राम ने दुनिया को पहचान दिलाई है। भगवान राम के नाम से तो पत्थर तैर गए थे। आज बीजेपी के बड़े बड़े वरिष्ठ नेता ये कह रहे हैं कि यदि बीजेपी नहीं होती और हम नेता लोग नहीं होते बीजेपी के, तो भगवान राम तो है ना जो समुद्र में होते। शर्म आनी चाहिए, उनको बताना चाहिए वो भगवान राम के लिए ऐसी भाषा का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। बीजेपी की स्थापना को कितने साल में बताएं, बीजेपी जो बीजेपी आजादी के आंदोलन में नहीं थी, जो देश के लिए कभी लड़ी नहीं, आज वो बीजेपी और भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाने लग गई। भगवान राम कब से है, जिनको लोग भगवान मानते हैं आज बीजेपी के लोग उनसे बड़े हो गए। तो बीजेपी को तो भगवान राम के मामले में जो बीजेपी राजनीति करने की कोशिश करती है, अब तो भगवान राम से अपने आप को बड़ा बताने लग गई। इसलिए बीजेपी का तो भगवान मालिक है, अब तो राम ही इनका इलाज करेंगे।